गाइस आप फिर से आ गए मेरा व्लॉग देखने के लिए। चलो आ ही गए हो तो अब पूरा देख ही जाना। आई थिंक उधर गेस्ट आए हुए हैं, कोई पता नहीं कौन है, और गाड़ी लेके आए हुए हैं। अभी तो उधर है, तो आज तो मैं नहाई भी नहीं। नहीं मतलब मैं गेस्ट को देख के नहा लूँ, मेरे से नहीं नहाया जा रहा भैया। आज बहुत सर्दी है सच्ची में, ऐसी बात नहीं है, मेरे को आजकल शाम को आदत हो गई है नहाने की, इसलिए मैं शाम को नहाऊंगी। अभी तो 2 बजे है ना, और मेरे को पापा जी ने कॉल करके बताया क्या आए लेके रहा हूँ, क्योंकि खेजड़ियाँ काट रहे हैं ना वहाँ पर दूर। अरे भाई ये तो बहुत दूर काट रहे हैं, मेरे को पता ही नहीं था, वरना मैं बाइक लेके आती। मुझे ऐसा बोला गया कि चाय लेके आओ, तो मैं इसमें चाय लेके आई। अगर पहले बताते तो मैं बाइक लेके आ जाती, कि उतनी दूर है, इसे सड़क सड़क जाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि हमारा खेत ना बड़ी दूर है हमारे घर से, इसलिए मैं चाय लेके जाती हूँ अभी। आपको क्या लगता है, पूरे दिन ट्रैक्टर चलाती रहती हूँ? भाई नहीं, मेरी गर्दन में दर्द होने लग गया पूरे दिन ट्रैक्टर चला चला के। मेरे को इतना ही चलाना है। तो गीता के साथ एक बच्ची घूम रही है, पता नहीं कौन है, आई थिंक यहाँ पर पड़ोस वाले। उनकी मम्मी उनको क्या बोले बताओ, उनको झूठ बोलती है कि सीका ना अपने ससुराल गई हुई है, ताकि वो मेरे पास ना आए, क्योंकि वो अपने घर पर रुकते नहीं है, उनको पता लग जाए कि सीका ही हुई है, तो उनको खेत में आने, क्योंकि धूप होती है ना इसलिए खेत में आने नहीं देते, इसलिए झूठ बोलते होंगी मम्मी की, नहीं वो है ही नहीं इधर घर पे, इसलिए वो भाग के आ जाए। आई थिंक उनको पता लग गया कि सीखा आ गई है, तो इसलिए फिलहाल तो मैं चाय पकड़ा के आती हूँ, क्योंकि बहुत दूर है, अभी जाते हैं। ओके गाइस चाय पकड़ा के आ गई, और वो भाई जी की मैंने बताई पड़ोस की, वो भी हमारे साथ में ही आ गए टिगरा। अब तो वो चलेगी काफ़ी देर रुक के, और गेस्ट भी अभी यहीं पर है, आज तो छोटा दादाजी के घर आ गया है। शायद मेरी बुआ मतलब बैडा है, मैं बताऊँ सोच के था, मेरा दादाजी की सिस्टर का बेटा है शायद, आई थिंक, मेरे को पक्का पता नहीं, मैंने दूर से देखा था। जगह में शादी में गया ना बात लेके, बड़ा दिन पहले, आपको बड़ा दिन होगा, फिर मैं खेत में गई, मम्मी मेरे लिए बताऊँ क्या ले, प्लाजो बताऊँ, मैं पहले मैं प्लाजो लेके आती थी घर पे पहनने के लिए, मम्मी पापा जी बड़ा गंदा लगता है ये, अब देखो खुद ही ले लियो, मैं थाने दिखाऊँ तो मेरे लिए, पापा जी बोलो अच्छा वो ख़राब लगे भेजे, वो ये ऐसे कम्फर्टेबल रहता है यार घर पर पहनने के लिए, अब कम्फर्ट ले दो। आ देखो यान को प्लाजो लिया मेरे लिए मेरी मम्मी, बढ़िया लगी मम्मी। हे गाइस अभी हो रही है शाम, और अभी फिर से मेरे को चाय लेके जानी है, तो मैं थान मिलवाऊँ कोई मेरी बुआ जी की, सब कुछ छोटी बेटी बुआ जी मन कड़ा बुला रही, मैं कब आई जड़ा बुला रही, मन हाल तक मैं गई बनी, बुआ जी का लठे आ रहे हैं बाद में, मतलब मन कब का बुला रहा है बहुत दिनों का, पर मैंने टाइम ही कौन मिल रहा जना, मैं जा ही कौन पाई, और मैंने दिवाली भी बुलाई तो मैं दिवाली भी कौन जा पाई, तो अमेरिकन जाता रहे कुछ आवाज अठे ले रही बटे कपड़ा, मतलब आधा फूफा जी आया ना अठे आएगी। देखो गई यहाँ पर हमारी चाय बनेगी, हम पहले कॉफ़ी बनाएंगे उसके बाद में चाय, और ये देखो आपको कैसे मिलवाते हैं, शर्माते बहुत है आप ये रहो, तो अमेरिकन ही है बट बोले बिल्कुल गनी, बिल्कुल कम बोले, देरी में चाली गई तो जब मैं कॉफ़ी बनाऊँ जितनी देर में कपड़ा चेंज करे तो बिगड़ जा, तुम एक जन चाय पीवा को नहीं, मतलब खेचड़ा काट बड़ा जाना एक के लिए कॉफ़ी बना दिया, कहीं इतनी मेहनत करे जाना कॉफ़ी तो बना ही दिया, इसलिए इमो में भी पीसा कॉफ़ी जितनी देर में चाय बन जिसी फिर लेके जाता है बा के लिए। इसको तो इसमें ढक के रख देते हैं, भाई मेरा हाथ रिया माखी दोनों बहना की, इस कपड़े चेंज करके लेके आए, और मेरे लिए देखो क्या लेके आए, खटू ले रही हो हैं, बता कौन दियो, मम्मी कहाँ को है वो हैं, कहाँ को है
अरे तुम्हारी कॉफी ला जाओ ऊपर बैठा दियो तेन सिला के लगो तेन तैयार बेली आई फिर ये ना क्या आई और पहली मैं मंदिर में जा रहा हाँ पर फिर पापा जी बाइक लेगा जना जाओ कौन पाया पापा जी बाहर आशी शाम का जना जैसे और मम्मी गई कोई नहाण है करने जना बैठे आगे सर थोड़ी रबड़ कटे तर तर के बारन इसकी चोटी दिखाती हूँ ये देखो मेरे मैं आपको एक बात बताऊँ जब मैं छोटी थी इसके नहीं मैं 8वीं क्लास में मैंने अपने बाल बढ़ाने स्टार्ट किए थे तो मैंने पहली बार ऐसी चोटी बना के गई थी स्कूल में मेरी मैम ने बहुत तारीफ़ की थी इस चोटी की कि वाह कविता कितना अच्छा से फूल टाइप बना के आ गई ये देखो इसकी मस्त लग रही है चोटी है चलो अभी हम रेस्ट करेंगे अभी होगी शाम और शाम का आयु थरी से शाम का आयु मतलब कि हमें एक बार और नहाना पड़ेगा क्योंकि रात तो जैसे निकालता निकालता तो 2 कट्टा तो भर दिया देखो और अटी ने अंकल जी को ट्रैक्टर से का थ्रेसर ले रहा है यहाँ को ट्रैक्टर कम ये डीजे ज़्यादा लग रहा है स्पीकर देखा है कितने मोटे मोटा लगा रखा है तो अभी गुआर निकाल सियाँ मैंने तो यहाँ जी काम ही बताया उसी दो गुआर आवे कट्टा कमाए ने ट्रॉली कमाए ने आवे जना अंकल जी कट्टा ने बठीन सरका दे रहा है और मन बस अटे खड़े हो रखे एक कट्टा ने पकड़ना है शाम हो जैसी भी निकाल तो अभी नहा लिए धो लिए क्योंकि गुआर निकला बाद में मेरी थोड़ी जल्दी छुट्टी होगी जना मैं नहा ली और अच्छी रात ने सर्दियों में नहाबो बहुत ही बड़ो मुश्किल काम है और मैं दियो भी कर दियो फिर आके एक ढूंगरी जना मम्मी पापा जी और गीता और एक और आया रहा जना बह निकलवा ली जितनी देर मैं चाय बना दी दियो कर दियो और नाली अब मैं ऑटो लगा सी और खाना बना सी बाद में जितनी देर तक मम्मी नहीं आवे क्योंकि मम्मी और गीता निकालवा गया है दूध अब अत्यारा ही निकले गुआर जना और मेरे लग रही है शादी जना मैं पहले तो आग जला के बाद में तपशिया पहले तो हेलो भाई मैं तो बना लियो खाना और आज तो मिर्च बाटी क्योंकि मन पराठा को बाबा को मन करो जो मैं मेरे लिए पराठा अटीन बन जो है अटीन में खा गाइस देखो ये लोग सुबह सुबह लग गए यहाँ पर मूंगफली फिल्टर करने के लिए और मेरा काम है झाड़ू लगाना मतलब सफाई से पहले मैं कोई काम नहीं करूँगी पहले मेरा काम है अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करना तो आज ना एक्चुअली मैंने सोचा पूरे छत से झाड़ू निकाल देते अब की बारी काफ़ी दिन हो गए 5-6 दिन हो गए आई थिंक छत की सफाई नहीं की मैंने ये देखो मैं छत की साफ सफाई करने आई यहाँ पर ये बिल्ला आराम से सो रहा है मतलब कभी कहीं पर सो जाता है कभी कहीं पर सो जाता है इसको मैं टच करूँ क्या देखो ये उठ भी नहीं रहा यहाँ से हेलो क्या कर रहे हो तुम यहाँ अब किधर तो अभी भिगोती हूँ मैं अपने लिए मेहंदी इससे तो हम छानेंगे इसमें मैंने पहले छान है बाद में वापस रख दियो और थोड़ा ठंडा हो जाए चाय है गाइस इतनी सारी तो गाइस मैंने बाल अपने बाल धो लिए और इतने अच्छे अच्छे लग रहे हैं मेरे को अपने बाल थोड़े थोड़े सिल्की हो गए वैसे ये देखो अभी ना ये सूख जाएंगे तो और भी बढ़िया हो जाएगा ये मेहंदी इतनी मुश्किल निकली मेरे बालों में बहुत ज़्यादा लगा ली मैं ज़्यादा गुल लगाई भी हैं तो ठीक ही लगाई सो गाइस आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए बाय बाय